सब्सक्राइब कीजिए दादा भाई टेक चैनल पर, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू दादा भाई टेक चैनल टेक के बारे में एपिसोड। वेल्डिंग में जारी आसुस की तरफ से आसुस की क्रोमबुक 2 लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको फ्लिप C20C 214 और 200 423 दो क्रोमबुक लॉन्च हुई, जो बेहतर बेहतरीन क्रोमबुक एक लैपटॉप के साथ फीचर देखने, मतलब टैबलेट समान ही फीचर देखने को मिलेगा, मगर लैपटॉप का भी एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। उसमें आपको अटैच कीबोर्ड भी देखने को मिलेगा, मतलब उसमें आपको एंड्रॉइड ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे कुछ आसुस की तरफ से लैपटॉप लॉन्च है, जो ऑनलाइन गेमिंग और मतलब ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए बेहतरीन लैपटॉप है, जो आसुस की तरफ से लॉन्च किया है। बेहतरीन प्राइसिंग के साथ कुछ 17,990 के बीच में देखने को मिलेगा और एक कुछ 20,000 के बीच में देखने को मिलेगा। बेहतरीन लैपटॉप है जो लॉन्च किया आसुस की तरफ से। दूसरी टीम मुझे टेक्नो कैमैन के दो फोन लॉन्च हुए आज इंडिया में, टेक्नो कैमैन 17 प्रो। इन दोनों की प्राइस कुछ 16-18 हज़ार के बीच में देखने को मिलेगी, जिस दोनों ही फोन में आपको 64 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलेगा और बेहतरीन प्राइस रेंज के साथ आपको बेहतरीन स्पेसिफिक फोन बजट रेंज में आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 365 लॉन्च कर दिया, मतलब क्लाउड बेस्ड फीचर, मतलब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इसे आप कहीं भी कोई भी डिवाइस से आप पीसी का यूज कर सकते हैं, मतलब फोन में एंड्रॉइड फोन में आपको विंडोज का यूज कर सकते हैं, मतलब विंडोज 10 विंडोज 11 का यूज कर सकते हैं, मतलब क्लाउड बेस्ड रहेगा, मतलब ये मंथली आपके इसके चार्जर देखने को मिलेंगे और धीरे धीरे इसके कुछ स्पेसिफिकेशन बढ़ते जाएंगे, मगर इसके लिए आपको बेहतरीन कुछ फोन देखने को मिल सकता है, मतलब बेहतरीन प्रोसेसर वाला फोन और बहुत अच्छा फोन रहेगा तो यूज कर पाएंगे, मतलब इसमें पूरा कंप्यूटर समान फीचर आपको देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ फ्यूचर में क्लाउड बेस्ड वाला आपको देखने को मिलेगा विंडोज की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट की तरफ विंडोज 365। चौथी मुझे रियलमी की तरफ से रियलमी के वॉच 2 प्रो और रियलमी बर्ड वायरलेस 2 एज के लॉन्च फिक्स होगा 23 जुलाई को आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसमें आपको बैंड 2 बैंड भी देखने को मिल सकता है, ऐसे कुछ ऑफिशियली न्यूज आ रही है। और साथ ही एक और न्यूज आ रही है कि जो रियलमी जी टी एडिशन वाला फोन है वो भी ऐसा इंडिया में 20,500 होगा, बहुत जल्दी इसकी भी इंडिया में लॉन्चिंग डेट फिक्स हो गई है और बहुत जल्दी आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। व्हाट्सएप की तरफ से व्हाट्सएप का मल्टी डिवाइस वाला जो फीचर था उसका बीटा टेस्टिंग स्टार्ट हो चुका है और बहुत जल्दी आपको फोन में देखने को मिलेगा, मतलब आपको 4 डिवाइस में आप अपना व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, भी ऐसा कुछ फीचर लाया जाएगा व्हाट्सएप की तरफ से जो बीटा टेस्टिंग में चालू है। आप कोई भी मतलब आपका फोन डेड हो जाए तो भी आप कोई भी जहाँ पर भी लॉग इन किया वहाँ पर आप यूज कर सकते हो व्हाट्सएप को, ऐसा कुछ फीचर बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ये एंड टू एंड डिक्रिप्ट डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, ऐसा फीचर देखने को मिलेगा, इसकी वजह से ये थोड़ा सा लेट हो चुका और बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, जल्दी ही जैसे ही आएगा हम उसको टेस्ट करके आपको बताएंगे। पोको तरफ से पोको F3 GT जो फोन है उसमें आपको प्राइस लिख होगी 1,000 के 30,000 के अंदर आपको फोन देखने को मिलेंगे, जो भी इसका वेरिएंट रहेगा उसको आपको 30,000 के अंदर देखने को मिलेंगे। साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसमें आपको ऑलमंड डिस्प्ले देखने को मिलेंगे 10 बीट्स वाले और साथ ही 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, ऐसे कुछ फीचर के साथ ये फोन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। थैंक यू सर, आपका नाम।